तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दी है। वह 3 दिन 6 घंटे तक जेल से बाहर रह सकता है। दरअसल बिहार के बाहुबली और आरजेडी नेता के पिता की 19 सितंबर को मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह पैरोल के लेकर लगातार कोशिश में लगा हुआ था। पिता की मौत के बाद मां के बीमार होने के आधार पर शहाबुद्दीन ने कस्टडी पैरोल की मांग की थी, लेकिन जवाब में दिल्ली सरकार का कहना था कि कोरोना के काल में उसको सिवान ले जाना सुरक्षित नहीं है, जिसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने शहाबुद्दीन को सशर्त पैरोल दी है। इस पैरोल के मुताबिक 3 दिन तक 6 घंटे जेल के बाहर रह सकता है, यानी वह कुल 18 घंटों के लिए जेल से बाहर होगा। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन पर हत्या व अपहरण सहित दर्जनों संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल वो तिहाड़ में सिवान में 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर निर्मम हत्या के मामले में उम्र कैद काट रहा है। न्यूज़ डेस्क।